प्रिय छात्रों, आज हम जो है शास्त्री सेकंड ईयर के द्वितीय पत्र में निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उनकी पुस्तकों में से माथुरी पंचलक्षणी पुस्तक के द्वितीय चैप्टर को अध्ययन करेंगे। अद्य अहम भवताम पुरतः माथुरी पंचलक्षण्याः द्वितीय अध्यायस्य अध्यापनं कारयिष्यामि। पश्यन्तु भवन्तः, न्यायशास्त्रं का, आन्वीक्षिकी विद्या का, अस्य को अर्थः इत्यस्मिन् विषये वयं पठिष्यामः। न्यायशास्त्र क्या है, इसका लक्षण जो है संस्कृत में न्यायशास्त्र के ग्रंथों में दिया है, प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थात प्रमाणों के द्वारा जो क्लिष्ट शब्द हैं, क्लिष्ट ग्रंथियां हैं, उनके अर्थ को सम्यक रूप से प्रतिपादित करे, अर्थात ये क्लिष्टाः शब्दाः सन्ति तेषां अर्थं सम्यक रूपेण प्रतिपादयन्ति, तस्य अर्थं च बोधयन्ति। ये न्यायशास्त्र का कार्य है, न्यायशास्त्रम उच्यते, प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय। ऐसे नहीं मन से अर्थ प्रतिपादित कर दिया, ऐसा नहीं है। इतः पूर्वम उक्तम लक्षणे प्रमाणै अर्थ परीक्षणम, अर्थात प्रमाणों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल सप्रमाण जो न्याय शास्त्र आप देखते हैं, कोई डिसीजन होता है लॉ के अंदर बिना प्रमाण के डिसीजन नहीं होता, और वह डिसीजन जो है सर्वमान्य होता है। यही न्याय विद्या है, प्राचीन काल में भी ये नैसर्गिक न्याय है। तो प्रमाणों के द्वारा जो अर्थ का परीक्षण करे और परीक्षण करने के उपरांत तदनंतरम तस्य अर्थस्य बोधो भवति, सह न्यायशास्त्र उच्यते, तत् न्यायशास्त्र शास्त्रम। तस्य अपर नाम कौटिल्येन सुस्पष्टम, तस्य अपरनाम आन्वीक्षिकी विद्या का, कौटिल्य महोदयेन सुस्पष्टम उक्तम, प्रदीपः सर्वविद्यानां उपाय सर्वकर्मणां आश्रय सर्वधर्माणां सीयं मान्वीक्षिकी मता। अर्थात अस्य अर्थो अयम वर्तते, प्रदीपः यथा अंधकारः भवति न, तत्र एकं प्रदीपं प्रज्वाल्य तत्र स्थापयन्तु, तर्हि तस्मिन् स्थले अंधकारस्य विनाशो भवति, अर्थात च प्रकाशः भवति। तथैव शास्त्रेष्वपि सर्वविद्यासु व्याकरणशास्त्रे धर्मशास्त्रे वेदान्तदर्शने वेदेषु यत्र कुत्रापि सर्वविद्यासु
यदि कश्चित् ग्रंथि वर्तते तस्य स्पष्टीकरणं न भवति, तस्य अर्थस्य स्पष्टीकरणं न भवति, तस्य विषयस्य प्रतिपादनं सम्यक् रूपेण न गच्छति, तस्य उपायः तस्य स्पष्ट रूपेण अर्थस्य बोधोः आनिवेक्षिकी विद्या द्वारा भवति, अर्थाच्च सर्वकर्मणां सर्वविद्यानां सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां च आश्रयः। यत्र कुत्रापि धर्मेषु विवादः समुत्पन्नः भवति तत्र तस्मिन् अर्थेपि न्यायशास्त्रस्य आवश्यकता भवति। अत एव आन्वीक्षिकी विद्याया औचित्यं वर्तते। आन्वीक्षिकी विद्या सर्वधर्माणां सर्वविद्यानां सर्वकर्मणां च प्रदीपवत् प्रकाशकः अस्ति। अर्थाच्च सर्वकर्मणां सर्व उपायानां सर्वधर्माणां च आश्रयोस्ति। आन्वीक्षिके सन्दर्भे वा न्यायशास्त्रस्य सम्बन्धे सर्वे विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति न्यायशास्त्रस्य वा आन्वीक्षिकी विद्याया मतम् अक्षरशः सत्यम् अस्ति इति सिद्धं भवति। यत्र आन्वीक्षिकी विद्या वा न्यायशास्त्रस्य विद्या प्रकाशकः अस्ति, नास्ति कश्चित् विप्रतिपत्ति। आन्वीक्षिकी शब्दस्य को अर्थः अत्र प्रश्नं समुदेति, छात्रो सुनिए। यहां दो नंबर का छोटा लघु प्रश्न आता है, उसका आन्वीक्षिकी विद्याया को अर्थ, तो आप इसको सुनिए देखिए। आपको पहले हिंदी में मैं सुनाता हूं क्योंकि क्लिष्ट भाषा है। आन्वीक्षिकी विद्या का अर्थ है प्रत्यक्ष दृष्ट। शास्त्रों तो जो विषय हैं उनके तात्विक स्वरूप को स्पष्ट करना, इस विद्या का नाम ही न्याय विद्या है, न्याय शास्त्र है, अनुमान शास्त्र है। इसको महर्षि वात्स्यायन ने न्याय शास्त्र के भाष्य में सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है। अब आप इसको संस्कृत में सुनिए, आन्वीक्षिकी विद्या को श्रूयताम संस्कृत भाषायां। प्रत्यक्षाधिगमाश्रित अनुमानम सान्वीक्षा प्रत्यक्षा गमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणं मनवीक्षा तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्यायशास्त्रम् यत् पुनरनुमानम् प्रत्यक्षागम विरुद्धम् न्यायाभासः स इति। आन्वीक्षिके विद्या उच्यते, इसको आन्वीक्षिके विद्या कहा गया है। न्याय क्या है? न्याय शब्दस्य को अर्थः,
अस्मिन् विषयेपि मया इतः पूर्वं लक्षणं प्रदत्तं प्रमाणै अर्थ परीक्षणं न्याय। जो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करे उसको हम न्याय कहते हैं। अब न्याय शास्त्रस्य धारा कतिविधः श्रूयताम्। साधनीयार्थस्य यावते शब्दसमूहे सिद्धे परिसमाप्यते तस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञादय समूहम् अपेक्षावयवा उच्यन्ते तेषु प्रमाणसमवायः आगम प्रतिज्ञा हेतुरनुमानम् उदाहरणम् प्रत्यक्षम् उपनयनम् उपमानम्। सर्वेषाम् एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम् निगमनम् इति सोयम् परमोः न्याय इति एतेन बाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते नातो अन्येति तदाश्रयाच तत्त्वव्यवस्था इति न्याय सूत्र भाष्ये प्रथम सूत्रे उक्तम्। न्यायशास्त्रस्य कति भेद, न्यायशास्त्र के कितने भेद हैं? तो न्यायशास्त्रस्य वा न्यायशास्त्रम् द्विविधम् वैदिकम् अवैदिकम् च। दो नंबर के प्रश्न हैं बस। न्यायशास्त्र के कितने भेद हैं? न्यायशास्त्रम् द्विविधम् वैदिकम् अवैदिकम्। अनंतरम् गौतमी न्यायः का, तो गौतमी न्याय क्या है? तो हिंदी में सुनिए, गौतमी न्याय जो है सभी न्याय शास्त्रों में गौतमी न्याय शास्त्र सर्वमूर्धन्य स्थान प्राप्त करता है। इसकी शैली जो है न्यायिक शैली है। साध्यता अवक्षेदका अवक्षिन्न तद्धर्मा अवक्षिन्न, ये इसकी शैली है। साधारण शैली नहीं है, अत्यंत क्लिष्ट शैली है। और न्याय शास्त्र की जो वैदिक धाराएं हैं उनको भी दो धाराओं में विभाजित किया है, प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधान। जहां प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाता है तत्र प्रमेयानां प्राधान्यं भवति, उसको प्रमेय प्रधानम् उच्यते। यत्र प्रमाणानां प्राधान्यं भवति तत्र प्रमाण प्रधानम् उच्यते। महर्षि गौतमेन उक्तम्। गौतम से पूर्व जो है गंगेश उपाध्याय जी ने भी ऐसा ही कहा है। गंगेश जी जो हैं न्याय शास्त्र के मूर्धन्य विद्वानों में माने जाते हैं। गंगेश उपाध्याय जी की तत्व चिंतामणि व्याख्या बहुत सुप्रसिद्ध है। अब यहां आपको बताते हैं, देखिए कि जो आन्वेक्षी की विद्या है वह न्याय शास्त्र है, वह कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? न्याय शास्त्रे कति प्रमाणानि, ये भी दो नंबर का प्रश्न है छोटा छोटा। तो न्याय शास्त्रे चत्वार प्रमाणानि, प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रथमा, द्वितीय अनुमानम, तृतीय उपमानम, चतुर्था शब्द प्रमाणश्च। अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और शब्द चत्वार प्रमाणानि न्याय शास्त्रे सन्ति इति।
अप्रत्यक्षम किम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाणम किम उच्यते। तो न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दिया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसको तर्क संग्रह भी स्वीकार करता है, इसको न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी स्वीकार करती है, और इसको अन्य न्याय शास्त्र के ग्रंथ जो हैं वो भी स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष शब्दस्य को अर्थ पश्यन्तु अत्र लिखितं वर्तते प्रति विषयं प्रतिगतं अक्षम इंद्रियं प्रत्यक्षं शब्दम् इति। अर्थात प्रत्यक्ष शब्द की ये व्युत्पत्ति है कि प्रति विषयं प्रतिगतं अक्षम इंद्रियं प्रत्यक्षं, विषय सन्निकृष्टम इंद्रियम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम। अर्थात इंद्रियों से जो सन्निकृष्ट ज्ञान है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत प्रमाणीभूतः षड् इंद्रियाः सन्ति, छह इंद्रियाएं हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणस्य सिद्धिर्भवति। प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि होती है। घ्राण आप जानते हैं किससे सूंघा जाता है, दुर्गंध है या सुगंध है, इसके लिए हम इस नासिका का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायक इंद्रिया जो कहलाई घ्राण नासिका, द्वितीय है रसना अर्थात जिह्वा, ये जीव है, ये जिह्वा पर देखिए रस डालते ही नमक रखते ही प्रत्यक्ष प्रमाण से आप बता देंगे कि ये लवण युक्त वस्तु है। हरी मिर्च लीजिए, हरी मिर्ची को लेकर के आप जीभ पर डालिए, तुरंत उसका रस जो है कड़वी है तीखी है चरपड़ी है कैसी है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाएगा। चक्षु तीसरी है आंख, किसी भी वस्तु को आप आंख के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंधे व्यक्ति को चाक्षुषहीन व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता है, और कहते हैं त्वक ये उंगलियां देखिए, बिजली के प्लग में आप जैसे उंगलियां देंगे आपको करंट लगेगा, तुरंत आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि यहां विद्युत है। अत्र प्रत्यक्ष रूपेण ज्ञानम भवति अस्मिन् भागे है विद्युत प्रभावो अस्ति, ये त्वक इस बात का बोध कराती है ज्ञान कराती है। श्रोत्र में दोनों कान हैं, ये देखिए हमारे जो प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, शब्द प्रमाण में जो है श्रोत्र का उदाहरण है शब्द गुणम कमाकाशम,
आकाश में जब शब्द होता है, बादल जब गरजते हैं, तो आपके कानों में सुनाई देता है, ये प्रत्यक्ष है। इस बात का बोध होता है कि आकाश में बादल गरज रहे हैं, मेघा गर्जन्ते, वा बीन वादनम भवते, जब बीन बजता है तो उसकी मधुर ध्वनि जो है कानों में सुनाई देती है, तो श्रोत्र जो है वो भी पांचवी इंद्रिय है। तदनंतरम मनः, उसके बाद में मन है, तो इंद्रियों के सन्निकर से, इंद्रियों के सन्निकर से ये प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, जिसमें हम देखते हैं, अनुभूत करते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय जो है अपने अपने विषय से सन्निकृष्ट हो करके उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हमको प्रदान करती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। मैंने आपको बता दिया है, वही वस्तु इसमें दी है। देखिए, हिंदी में आप इसको समझ लेंगे, ग्रहण का विषय है गंध, दुर्गंध है या सुगंध है, रसना का विषय है रसगत, विषय वस्तु नाम होगा, चक्षु का विषय है आंखों का रूपगत, स्वरूप बताना, ये काला है, पीला है, कृष्ण वर्ण है, पीत वर्ण है, हरित वर्ण है, क्या जाती है, कहां से इस द्रव्य का उद्गम हुआ है, ये आलू है, मिर्ची है, टमाटर है, कौन सा द्रव्य है, ये सब विषय किसका है, चक्षु का है, आंखों का है, त्वक्का विषय है, स्पर्श करने से ये वायु ठंडी है, ये वायु गर्म है, ये अग्नि गर्म है, ये जल ठंडा है, ये सब जो है सन्निकर्ष से ज्ञान की अनुभूति होती है। श्रोत्र का विषय है शब्द, शब्दगत जाति, इन सब का ज्ञान कराना। मन का विषय है आत्मा, जीवात्मा, गुण बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इन सब का ज्ञान कराना, ये मन का काम है। आप देखिए, आपके सम्मुख ये हरी मिर्च है, और इधर आप जो देख रहे हैं, ये क्या वस्तु है, खाने की वस्तु आप देखते होंगे, होली दीपावली पर गुजिया बनाई जाती है, वो गुजिया रखी हुई है, रसना के ऊपर अगर मिर्ची रख दी जाए तो इसके स्वाद को ये प्रकट कर देगी, और इधर जो है गुजिया के तोड़ करके खाओगे तो इसके मिठास को ये प्रकट कर देगी, अर्थात रसना के द्वारा दोनों प्रकार के रसों की अनुभूति होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है। आगे प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, कहते हैं कि संयोग प्रत्येक मन का प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध होता है, आत्मा व्यापक है, संयोग मन का प्रत्यक्षीकरण करता है, आत्मगुणों का प्रत्यक्ष होना आत्मा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन परमात्मा का बोध उसके द्वारा नहीं होता। प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो छह प्रकार से, छह इंद्रियों के द्वारा मैंने आपको बतलाया, और इससे विशिष्ट ज्ञान भी उत्पन्न होता है। आगे
आगे प्रत्यक्ष के बाद में है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या है, लक्षण क्या है? अनुमीयते इति अनुमानम, जो अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम अनुमानम। व्याप्ति जो होती है वो अनुमान प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध होती है, पहले अनुमान लगाया जाता है। जैसे पर्वतो वन्य व्याप्य धूममान, ये यहां कहा है। पर्वत जो अग्नि से व्याप्त है और धुएं वाला है, इसका व्यापारिक अर्थ क्या है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वम, अर्थात जो जिससे होता है, जो जिसका जन्य जनक होता है, वह उसके कार्य की उत्पत्ति में व्यापार होता है। जैसे घट है, घट में कपाल इत्यादि क्रिया की जाती है, दंड इत्यादि होता है, वो उसका व्यापार होता है। आगे देखिए, अनुमान के भी भेद होते हैं, विशिष्ट रूप से आगे पढ़ेंगे। अनुमान के भेद जो हैं तीन प्रकार के हैं, पूर्वक, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। इनको हम तर्क संग्रह में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, अनुमान प्रमाण यहां हो गया, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, दो प्रमाण और शेष है। उपमिति करणम उपमानम, यथा गावस तथा गवय, ये इसका उदाहरण है। जैसी गाय होगी वैसा बछड़ा होगा। उपमान के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है। चतुर्थ प्रमाण जो है न्याय शास्त्र में है, शब्द प्रमाणम। शब्द प्रमाण का लक्षण है शब्द गुण कमाकाशम, ये तर्क संग्रह में दिया है। तो शब्द प्रमाण जो है क्या है? आकाश का बताया मैंने आपको, बादल गरजते हैं, मेघा गर्जन्ति, तदनंतरम ज्ञानम भवति, मेघा गर्जन्ति, बादल गरज रहे हैं, ऐसा हमको बोध होता है। अश्वधावन्ति, घोड़े दौड़ रहे हैं, कैसे बोध होता है? तो वो उनके शब्द से, अर्थात यदा अश्वधावन्ति तदा तेषां पादानां ध्वनि भवति। जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके खुरों की आवाज खुड़ 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 आती है, तो ये बोध होता है कि अश्वधावन्ति। इसी प्रकार से अनेकादि उदाहरण हैं जो कि शब्द प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते हैं। जैसे घोड़े बोलते हैं, तो घोड़े जब हिन 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 आते हैं तो उसकी आवाज आती है, आवाज आती है तो शब्द प्रमाण ही नहीं कि सिद्धम भवति, अश्वधावन्ति, अश्वावदन्ति इत्यादय। तो शब्द गुण कमाकाशम, अर्थात आनरीक्षिकी विद्यायां वा न्याय शास्त्रे चत्व प्रमाणानि भवन्ति। चत्वार प्रमाण जो हैं, चार प्रमाण हैं, चारों प्रमाणों के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धि होती है, और इन चार प्रमाणों को प्रायशः सर्वे है नैयायिका,
सर्वे विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। केचित्